नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फूड रेसिपी विद रॉय चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सर्दियों में खाई जाने वाली मूंगफली की चक्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। साथ ही हम इसे घर में बनाएंगे तो ये हेल्दी भी है। तो मूंगफली की चक्की बनाने के लिए हमने यहाँ लगभग 250 ग्राम मूंगफली ली है और साथ ही हमने 250 ग्राम ही गुड़ लिया है। गुड़ को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। तो सबसे पहले हम मूंगफली की चक्की बनाने के लिए मूंगफली को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ हमने ली है कढ़ाई, तो कढ़ाई में हम डाल देंगे मूंगफली के दाने और गैस को हम ऑन कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी हल्की हल्की गर्म हो चुकी है और अब हम धीरे धीरे मूंगफलियों को इस तरह से रोस्ट करेंगे। और रोस्ट हमें इन्हें लगभग 3 से 4 मिनट तक करना है, ज़्यादा रोस्ट हमें नहीं करना है और गैस की फ्लेम को हमें थोड़ा मीडियम ही रखना है। और जब हम मूंगफलियों को रोस्ट करेंगे तो हमें इन्हें लगातार चलाते रहना है, इससे मूंगफलियों का कलर है जो चेंज नहीं होगा और मूंगफलियाँ जलेंगी नहीं। तो मूंगफलियाँ हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है और अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। तो छिलका हमें किस तरह से उतारना है, हाथों के बीच में हम रख के इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये आसानी से छिलका निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाता है। तो इसी तरह से हम छिलका निकाल लेते हैं। तो सारे छिलके हमने निकाल लिए हैं और अब हम फिर से चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस को हम ऑन कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे और कढ़ाई में हम डाल देंगे गुड़। और गुड़ को हम धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे। अगर आपको लगता है कि गुड़ जल रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है जिससे हमारा गुड़ जले नहीं। और साथ ही जिस बर्तन में हम गजक को निकालेंगे उस बर्तन में हमने पहले से ही घी लगा कर रख लिया है ताकि हम तुरंत ही इसे इसमें ट्रांसफ़र कर दें। तो गुड़ हमारा धीरे धीरे पिघलने लगा है। तो गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है और गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे और अब हम चाशनी को तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे गुड़ में काफ़ी अच्छे झाग आ रहे हैं। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो चेक हमें किस तरह से करना है, तो हमने लिया है एक बाउल में ठंडा पानी, गुड़ को चेक करेंगे। तो गुड़ हमारा ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा गुड़ टूट रहा है, देखिए। तो ये चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट तैयार है और अब हम डाल देंगे इसमें ये मूंगफली के दाने और तुरंत ही हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में जिससे हमने पहले से ही घी लगा कर रखा है। और अब हम तुरंत ही इसे एक बाउल लेंगे, उस पर हमने घी लगा दिया है और इस तरह से प्रेस करेंगे। तो मूंगफली की गजक को हमने अच्छे से सेट कर दिया है और इसे हम ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारी गजक कैसी बनी है। तो मूंगफली की गजक हमारी ठंडी हो चुकी है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो मूंगफली की गजक हमारे निकालने में थोड़ी टूट गई है, तो आप देख सकते हैं जो हमारी गजक है एकदम मार्केट जैसी है और इसका टेस्ट भी मार्केट जैसा है। और जब आप इसे तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से
आवाज आती है एकदम बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हमारी जो गजक है एकदम परफेक्ट बनी है। और आप चाहे तो इसे हल्का, जब ये गर्म हो उसे काट भी सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से तोड़ लूँगी, ये देखिए। और हमने गजक को थोड़ा मोटा रखा है, आप चाहे तो इसे थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो इन सर्दियों में आप भी ये गजक बनाकर खाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा जो तरीका है वो कैसा लगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।